नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल शरण संवेदना है और मैं आज आपके सामने राज बैरवा जी का एक खत लेकर आने वाली हूँ। राज बैरवा जी, जिन्हें आप क्रिएटिव मुसाफिर के नाम से भी जानते हैं, साहित्य यात्री के फाउंडर के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत ही सुंदर खत लिखते हैं और मैं उन खत को अपनी आवाज़ देना चाहती थी, तो मैंने उनसे अनुमति ली है और उनका एक खत आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। आज सुबह की चाय के साथ मैंने अखबार देखा तो एक इश्तिहार पर मेरी नज़र अटक गई। गौर से देखा तो किसी ज्वेलर्स का इश्तिहार में तुम्हारी शक्ल से मिलती जुलती एक लड़की थी, शादी के जोड़े में सजी धजी। हाँ, मालूम है तुम्हारी शादी हुए बहुत साल हो गए, पर कुछ यादें मन में इधर उधर अटकी रह जाती हैं, जो अचानक ही कहीं से उड़ती हुई आँखों में चमक जाती हैं, तो इसे भी कुछ वैसा ही समझ लो। अच्छा, तुम्हें ये बताना ही भूल गया बातों बातों में कि घर में मैंने भी अब एक कोना तैयार करवा लिया है अपने लिए, जहाँ उन्हीं सारी किताबों के साथ एक छोटा सा हरा भरा मनी प्लांट भी लगा दिया है सॉस के कांच वाली बोतल में। वहाँ मैं रोज़ रात में सोने से पहले एक आधा घंटे किताब पढ़ता हूँ। मुझे वो कोना हमारी लाइब्रेरी में करी बातों की बहस की याद दिलाता है। किताबों से याद आया, तुमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया या अब भी सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए जॉन आलिया और गुलजार साहब को पढ़ती हो? मैंने जैसे ही अपनी चाय ख़त्म की तो सोचा क्यों ना तुम्हें ये खत लिखा जाए। वो आजकल पता नहीं मोबाइल और 5G वाले ज़माने में किसी को खत लिखने का ख्याल आना ही अपने आप में कितना रोमांचक से ज़्यादा पर्सनल सा महसूस होता है। ये सब बातें जो मैं तुमसे 2 मिनट में व्हाट्सएप या कॉल पर कह सकता हूँ, उसे किसी खत में अपने हाथों से लिख कर तुम तक पहुँचना किसी सुकून से कम नहीं लगता मुझे। कभी कभी सोचता हूँ कि कागज़ पर लिखा हुआ हर ख्याल चाहे किसी खत के आखिरी ड्राफ्ट में ना पहुँच पाता हो, मगर वो ख्याल, वो बात उसी कागज़ पर तो ज़िंदा रह ही जाता है। खैर, अभी तुम्हारे शहर में हूँ, अपने शहर से बहुत दूर कुछ वक्त के लिए, इसीलिए ये खत लिख रहा हूँ। देखो, तुमसे बात करते करते 2 सिगरेट कब पी गया पता ही नहीं चला, पूरा कमरा धुएं से भर दिया है। कोई आकर कुछ कहे उससे पहले ही तैयार होकर निकलता हूँ। तुम भी वक्त निकाल कर अपना हाल मुझे लिखना इस खत के जवाब में, अगर मैं ये खत तुम्हें पोस्ट कर पाया तो। तुम्हारा दोस्त राज।